मेरा नाम चमेली यादव है और गोला बेपुर पंचायत में काम करते हैं। पोस्ट केरलापाल है, जिला सुकमा है, तहसील भी सुकमा है, विकास खंड सुकमा है, गांव में काम करती हूँ। आजकल तो वैक्सीन चल रहा है, तो इस कोरोना महामारी के चलते हुए आपने अपने ग्राम पंचायत गोला बेपुर के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं? कौन कौन से कार्य किए हैं बोलने से, अपने यहाँ जितना भी काम आता है सबको देख लेते हैं अपन। जब वैक्सीन वाले आते हैं तो सबको जमा करते हैं, टीका लगवाते हैं। तो सिस्टर लोग गांव में आते हैं कि वहीं जाते हो? गांव में ही आते हैं, गांव में शिविर लगा के टीका लगाते हैं। तो वैक्सीन के लिए हम लोग बुला देते हैं, साथ में रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। सिस्टर के गाँव में जितना बूढ़े 40 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर, तो 30 साल से ऊपर वाले को बुलाने बोलते हैं तो बुला देते हैं। तो आपके पंचायत वाले अपने गांव वाले को सभी को वैक्सीन लग गया? लगा है अभी आधा जान को, किसी किसी को जुट गए हैं, नहीं लगा है आधा आधा को, आधा लग गया है। तो कितने वर्ष वाले को वैक्सीन लग रही है? अब 40 साल से ऊपर भी लग रहा है, 30 साल से ऊपर भी लग रहा है, 18 साल से ऊपर लग रहा है। अच्छा, जो छोटे वाले को नहीं लग रहा है वैक्सीन? छोटे को नहीं लग रहा है, अभी नहीं बताया कोई, अब नहीं लगा रहे हैं। तो आपने लगाई है वैक्सीन? हाँ, मैं लगा ली। कितने लगाए हो? मैं दो वैक्सीन लगा ली, दो डोज मेरा पूरा हो गया है। तो वैक्सीन लगाने के बाद कैसे फील होती है? कुछ तो मेरे को कोई ये नहीं लगा, मेरे को बुखार उखार भी नहीं आया। किसी किसी को आता है बुखार, मतलब कमजोर वाले को? हाँ, कमजोर वाले को थोड़ा सा एक दो दिन बुखार आता है, फिर जुड़ जाता है। हम लोग टेबलेट उबलेट खिला लेते हैं बुखार के वजह से। हाँ, तो कोरोना वायरस, देखिए कोरोना वायरस ये हमारे सभी दुनिया में फैली हुई है, तो वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मास्क लगाइए, दो गज की दूरी बनाए रखिए, मास्क लगाते रहिए और खुद को बचाव करिए। तो वैक्सीन आप लोग भी लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। तो मैं और कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में फैली हुई है कोरोना वायरस, कहीं एक जगह नहीं है, तो वैक्सीन लगाइए सभी लोग। हाँ, अभी सबको समझा समझा के लगाएंगे, किसी किसी को पता नहीं है, वो सब अपन थोड़ा समझा के लगाने बोलेंगे। गांव में आएंगे तो सिस्टर